टेलीकॉम मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दो दिवसीय दौरे पर ग्वालियर चंबल संभाग आए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी लोकसभा सीट पर वोटर का आभार व्यक्त किया है और ग्वालियर जिले के विकास कार्यों की बैठक ली। केंद्रीय मंत्री ने सभी ग्वालियर रेलवे स्टेशन, एलिवेटेड रोड, सड़क निर्माण, हाईवे निर्माण, ग्वालियर नवीन बस स्टैंड निर्माण, नई आने वाली ई बस सुविधा, चंबल से ग्वालियर जल परियोजना, ब्रिज निर्माण, सागर ताल के सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। सभी प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति और प्रशासन को कई प्रोजेक्ट्स पर निर्देश और सुझाव भी दिए हैं। वही उड्डयन मंत्री रहते हुए दिल्ली, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट में हुए निर्माण की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने जवाब दिया। क्या कुछ कहा सुनिए। ग्वालियर के जो हमारे 17 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर केवल प्रगति की समीक्षा नहीं लेकिन विचार विमर्श भी, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स पे अनेक सुझाव आते हैं। सुझाव के आधार पर उन प्रोजेक्ट्स में फेरबदल या नियंत्रण किया जाता है और उसके आधार पर आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे कि आप लोगों के भी कई बार सुझाव आते हैं, तो उन 16-17 प्रोजेक्ट्स पर आज हमारी चर्चा हुई है और ग्वालियर बदल रहा है और हमारे भविष्य का ग्वालियर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हम सब जनसेवक साथ में मिलकर ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण इतिहास जो ग्वालियर का रहा है उसका नव निर्माण हमारे संस्कृति को के समक्ष आगे रखकर उस भविष्य का ग्वालियर का नव निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं।